जी आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से। तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता सोनी एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। और आज बहुत सारे लोग मेरी तरह तंदूर के पास बैठे होने जा रहे, कौन जा रहे हैं तंदूर में बैठे होने। बाहर हल्के हल्के हमारे यहाँ स्नोफॉल हो रही है और मैं बैठी हुई किचन के पास। और आज हूँ मैं पूरे घर में अकेली, क्योंकि चिन्ह वगैरह चला गए पिछले कल रूम के लिए, साथ में उसके साथ मम्मी जी भी गई और उसके ना पाँव में आई है मूंछ, तो उसे चला ही नहीं जा रहा था। पहले बोल रही थी सुबह बस में जाने के लिए, तो मैं सोचा मैं का सुबह आने, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऊपर से बारिश भी बताई है। तो मैंने ना उसको पिछले कल लिए भगा लिया दिन वाली बस में, तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म में भरने के लिए मैं कहा तो उसको पहले भर ले और उसके बाद ही होगा सब कुछ। फिर मैं बना रही हूँ साथ में यहाँ पे सॉक्स और तंदूर के ऊपर रखा है मैंने ये, इसके ऊपर मैंने रखा है गर्म पानी और जो कि मैंने ले जाना है गाय के लिए। आजकल बाजारों में पशुओं को ना भी गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी देखो ऐसे ना कट्ठा से हो जाते हैं, तो गर्म पानी देने से ना थोड़ी सी वो राहत आती है उनको, थोड़ी ठंड दूर होती है। अगर ठंडा पानी दे तो बिल्कुल सूख जाते हैं। तो मैं बैठी हूँ अभी, खाना खाया मैंने, सच्ची बोलूँ ना अकेले आदमी से ना खाना नहीं खाया जाता है। तो अभी आई हो एक महीना मेरे घर में, तो ऐसा लगता था कि घर में सब कुछ है और अब चला गई ना ऐसा लगता है कि खाली खाली है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने पिछले कल जो दिन को बनाया था ना, मैंने शाम को भी वही खाया और सुबह भी मैंने वही खाया। अब जाके मैं बनाऊँगी अभी के लिए शाम के लिए खाना, भूख लगती बट खाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि अकेले में कैसे खाना है, अगर होगी आदत ना फिर तो चलो पड़ जाती है आदत। तो अभी मैंने जाना है गाय को घास पानी देने और उसके बाद जाके मुझे बैठना था आज सिलाने, मेरा सूट है सिलाने के लिए। अगर बैठी सिलाने तो, अगर नहीं बैठी तो यही रहूँगी तंदूर के पास बैठी और क्या करूँगी, ये सॉक्स बनाती रहूँगी, यही बनाने का काम करूँगी, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है और काम होना भी नहीं है। बाकी घास वगैरह मैंने पिछले कल रखा करके इकट्ठा, और अभी क्या है कि अभी मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है ख़त्म, सिर्फ रामर को गाय को घास पानी देना कोई दूंगी मैं, और उसके बाद ही देखूंगी अगर मूड बनेगा तो बैठूंगी सूट सिलाने, अदरवाइज बैठूंगी तंदूर की घास। ठीक है जी, जाती हूँ मैं गाय को घास पानी देने। माय गॉड, या मेरा एक घर ही छूट गया। जी हो गया मेरा पशु का काम, उनको ना मैंने घास पानी दे दिया था। फिर पता मैंने क्या सोचा, मैं सोचा बाकी दिनों में तो मेरे को टाइम नहीं लगता है, तो चलो आज मौसम ख़राब है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं अब कम ही सिलाती हूँ, जैसे जैसे घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई ना तो मुझे टाइम ही नहीं लगता है, तो बीच में मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ सूट सिलाने के लिए, और औरों की भी बनाती हूँ बीच में, अगर कोई ऐसा ज़रूरी फंस गया तो ही बनाती हूँ, अदरवाइज नहीं बनाती हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सूट की कटिंग की और फिर बैठी सिलाने। ये सिलाना पता कैसा होता है, ये उठना नहीं मांगता है। मैं तो कम से कम 10 बार ही उठी हूँ शॉप के लिए, जहाँ मेरे 2 घंटे लगने थे सूट बनाने के लिए, तो वहाँ मेरे लग गए 5 घंटे। तो साथ में मेरे मासी भी बैठे थे, वो भी मेरे साथ बात कर रहे थे। तो जी मेरी सलवार तो तैयार हो गई, ये लगी हूँ मैं अब कमीज बनाने। अब क्या है कि वही अब ना टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं, तो अब मुझे बनाना पड़ेगा अपने लिए खाना भी, और ऊपर से लगी हुई ठंड। गाय को मैंने घास दे दिया, ये पता नहीं आज मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर शाम को मूड बनेगा तो बना दूंगी, नहीं बनेगा मूड तो मैं कल बना दूंगी इसको, और ये वीडियो भी आपको कल ही मिलेगी। अभी शाम को थोड़ी वोल्टेज भी कम होती है, ये मेज रहा मेरा, उसमें रह गई बाजू रह लगाने और तरपाई रह गई करने, फिर ये लगभग कंप्लीट हो गया। ये बन गया जी मेरा खाना। मैंने क्या बनाया अपने लिए, मैंने बनाए परौंठे अपने लिए 3, तो स्टफिंग थी बच्ची फ्रिज में, तो मैं सोचा क्या बनाऊँ अब अकेले के लिए।
उसके बाद मैंने बनाना है, सूट बचा मेरा बनाने के लिए, उसके बाद उसको पूरा करूँगी। तो ठीक है जी, मैं खा लेती हूँ और साथ में बनाई मैंने चाय, चाय के साथ खाऊंगी मैं उनको। बाकी सब्जी बनाऊंगी अब सुबह, ठीक है जी। ये हो गया जी मेरा सूट रेडी, बस बची थोड़ी सी कमीज में। टाइम बज रही है अभी रात की 9:15। दो महीने पहले रखा था सूट लाके, ये ना मैंने सिलाने के लिए भी ले गया था टेलर के पास दो बारी, तो मुझे टेलर मिले ही नहीं उस टाइम, फिर सोचा खुद ही बना देती हूँ। चलो तो काम थोड़ा क्लोज हो गया है, मैं सिला सकती हूँ। तो फाइनली जी मेरा सूट हो गया है रेडी। मैंने ना इसकी बनाई सलवार और कमीज, मुझे नहीं लगती प्लाजो अच्छी, बनाई थी बट मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। मेरे इधर उधर ना बहुत सारा फैला हुआ है, क्योंकि जहाँ भी टेलर काम करने होता है बैठा हुआ, तो इधर उधर कचरे कचरा होता है, तो प्लीज़ इसे माफ कर देना। तो मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बचना।